देखिए कांग्रेस में फेरबदल के मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अब आगे आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो कांग्रेस में फेरबदल सामने आया है। एक तरफ जहां मोहन मरकाम आज मंत्री पद की शपथ लेने की उनकी तैयारी चल रही है, राजभवन में उनके मंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी चल रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी उनको मंत्री बनाए जाने और साथ ही प्रेम साय सिंह टेकाम के इस्तीफे को लेकर कई बयान भी सामने आ रहे हैं। दो दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, तो ये मृग मारीचिका है और ये मृग मारीचिका के चक्कर में जो लोग फंस रहे हैं, अपने चाहे वो टी एस सिंहदेव हो, चाहे फिर वो दीपक बैज हो, ये अपने स्वार्थों के लिए और दो तीन महीने के लिए पूरे अपने समाज का और पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं और इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे कोई खुश नहीं होने वाला है। जो नाराजगी वो और ज्यादा बढ़ेगी और वो कांग्रेस के लिए काल बनेगी। निश्चित रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनके ऊपर में दबाव डालकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के एक पुराने सीनियर नेता जो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज का, पूरे अनुसूचित जनजाति का अपमान है। कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की तरफ है। केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार अब भ्रष्टाचारियों की सरकार हो गई है। ईडी ने जिस प्रकार से 2000 करोड़ रुपये शराब घोटाले में, 500 करोड़ रुपये कोयले में, अभी आने वाले समय पर डीएमएफ की जांच होगी, रेत की जांच होगी, जंगल के घोटाले की जांच होगी, जमीन घोटाले की जांच होगी, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बचने वाला नहीं है क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आदिवासियों की विरोधी कोई पार्टी है, वनवासियों की कोई विरोधी है, अनुसूचित जनजाति जाति की कोई विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है, भूपेश बघेल हैं। और एक आदिवासी को हटाकर दूसरे आदिवासी को बनाना, मतलब आदिवासियों में भी जो अंग्रेजों की नीति रही है कि आपस में बांटो और राज करो, तो एक आदिवासी को हटाकर, वो भी बस्तर के सीनियर एमएलए और एक दूसरे सांसद को, वो भी आदिवासी बस्तर का, उसको बनाया गया, तो ये आदिवासियों में आपस में संघर्ष करवाने की इनकी कोशिश है। पहले आरक्षण के नाम पर कि 74% आरक्षण देंगे अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, उसके नाम पर उनको ठगा गया। अब आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर और टेकाम जी को हटाकर उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी है, आदिवासियों की शोषक है और आदिवासियों को लड़ाकर वो अपने हित साधना चाहती है। भूपेश बघेल जी अपनी स्थिति देख ले कि अब कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, तो भूपेश बघेल जी की तो स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। अब तो वो खाली अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और छत्तीसगढ़ का होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।